नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। जिलाधिकारी ने ऐतिहासिक मेले की तैयारियों का लिया जायजा। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले जंगई बाजार में लगने वाली ऐतिहासिक गुदरी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपजिलाधिकारी हंडिया व क्षेत्र अधिकारी हंडिया पहुंचे और तैयारियों का जायजा लेते हुए वहां पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले जंगई बाजार में लगने वाले ऐतिहासिक गुदरी का मेला 2 दिवसीय मेला होता है। इस मेले में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है और मेले में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का प्रवेश होता है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। वहीं मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपजिलाधिकारी हंडिया रमेश चंद्र मौर्य व क्षेत्र अधिकारी हंडिया रामसागर पहुंचे और मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वहां पर मौजूद व्यापार मंडल के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आप लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और मेले में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। व्यवस्था है आपके कमेटी द्वारा? वॉलंटियर जगह जगह तक खड़े रहेंगे। जिस ये गुदड़ी का मेला महिलाओं का मेला होता है, इसमें जेंट्स जाना वर्जित है पूरी तरह से। 25-30 हज़ार के लगभग भीड़ होती है यहाँ से। 1 किलोमीटर के दायरे में ये मेला रहता है और बाहर से तमाम महिलाएं आती हैं, जिसका किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन और हमारे व्यापार मंडल के द्वारा और मेला के लोगों के द्वारा अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं बनाए रखी जाती हैं, जिससे किसी प्रकार की भगदड़ न मचने पाए, महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अभद्रता किसी कोई जेंट्स न करने पाए, ये व्यवस्थाएं जो है हमारे द्वारा बनाई रखी जाती हैं। सीओ साहब जो है यहाँ ज़्यादा लेके जा रहे हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन? प्रशासन हमेशा सहयोग करता है, लेडीज पुलिस वगैरह यहाँ उपलब्ध रहेगी, जिससे किसी प्रकार की महिलाओं में जेंट्स न घुसने पाए और व्यवस्था बनाए रखें। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार जायसवाल, महामंत्री व्यापार मंडल जंगई।